दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और कितनी बड़ी साजिश है इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल है। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है।